This Taoist view of universe, where Yang and Yin, combination of feminine and masculine, combination of something which we may call as uh, earth, fluid, moist, cool, mountains, strength, etc., that is reflected in Taoist scheme of things. उसकी जो सोच है उसका जो दर्शन है उसकी जो फिलासफी है उसमें यही है एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड दाओइज़म। फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज़म। नोशन मतलब विचार आधारभूत उसके पीछे जो निहित है चीज़ वह है यही कम्बिन कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फेमिनिज्म विथ एंड मैस्कुलिन मेनहुड एंड मैनलीहुड वॉट इज ऑफन ओवर लोक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट ये थर्ड एलिमेंट क्या है हम जब आपने पेंटिंग देखी पेंटिंग में आपको सब दिख रहा है फिजिकल वर्ल्ड माउंटेन से लेकर पानी तक लेकिन बीच में कुछ स्पेस भी है देर आर ब्लैंक स्पेसेस एंड वॉट इज दैट स्पेस ऑल अबाउट ये जो स्पेस है दाओ कहते हैं ये थर्ड एलिमेंट है जो कंप्लीट करता है इस यूनिवर्स को इस ब्रह्मांड को एंड दिस इज ऑफन ओवर लुकड ऑफन मतलब जब तब अधिकतर ओवर लुक करना मतलब अनदेखा कर देना इसे जब तब या अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं वो केवल मैस्कुलिन और फेमिनिन माउंटेन्स और वाटर यंग और यान की ही बात करते हैं उसके आगे नहीं बढ़ते लेकिन देर इज समथिंग मोर टू इट दैट थर्ड एलिमेंट इज द मिडल वॉयड माने खाली स्थान इज द मिडल वॉयड इस पूरी पेंटिंग को आप देखेंगे तो इसमें बहुत जगह खाली स्थान है इट इज दैट थर्ड एलिमेंट वेयर देर इज इंटरैक्शन एंड इंटरक्शन दट इज टेकिंग प्लेस एक तरीके से वहां पर आवागमन चल रहा है संबंध चल रहा है एक दूसरे से जुड़ रहे हैं इंटरक्शन हो रहा है दिस कैन बी कंपेय विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम अब ये जो इंटरेक्शन है यह क्या है इसको समझाने की कोशिश करते हैं प्राणायाम के माध्यम से राइटर इज ट्राइंग नताली इज ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस वॉइड इज नॉट वॉइड एक्चुअली इट इज समथिंग कॉल्ड द थर्ड एलिमेंट एज इंपॉर्टेंट एज द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट प्राणायाम में हम क्या करते हैं वी ब्रीद द एयर इन टू ब्रीद मतलब सांस लेना देखिए स्पेलिंग क्या है बी आर ई ए टी एच ई टू ब्रीद ब्रीद मने हवा लेना और ब्रेथ बी आर ए टी एच ब्रेथ यानी सांस दोनों में अंतर देख लीजिए स्पेलिंग में यू आर ब्रीदिंग यो समी इज ब्रेथ इज फाउल ब्रेथ किसी की सांस में कई बार दुर्गंध आती है फाउल ब्रेथ एंड ब्रीदिंग मतलब सांस लेना सो यू ब्रीद इन देन यू रिटेन एंड देन यू ब्रीद आउट आप सांस लेते हैं अंदर फिर रिटेन करते हैं रिटेन करना मतलब उसको रखे रखना अपने पास रखना आप उसको रोके रखते हैं सांस को और फिर उसको आप निकालते हैं देट इज कॉल्ड ब्रीद आउट द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वर्ड वेयर मेडिटेशन अस्पेंड करना मतलब स्थगित कर देना सांस लेने की क्रिया को जब आप स्थगित कर देते हैं और सांस को रोक लेते हैं और रोक रोकने के कारण जब आप सांस निकालने की क्रिया को स्थगित कर देते हैं वो ही स्टेज जो है जो वॉयड है जो खाली स्थान है जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना सांस ले रहे हैं ना सांस छोड़ रहे हैं कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं यही वॉय जो है वह मेडिटेशन कहलाता है उसी समय मेडिटेशन होता है ध्यान होता है देखिए कैसे पेंटिंग के माध्यम से कलाकार के विचारों को नताली ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम ब्रीद इन रिटेन ब्रीद आउट द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉर्ड वेयर मेडिटेशन अगर एंड सी वॉड इज रिटर्न इन कैपिटल वी इज इन कैपिटल ज दिस वर्ड विच इज द सेंटर ऑफ दिस थॉट प्रोसेस कहने को तो वो शून्य है वर्ड मैंने शून्य भी वर्ड मतलब खाली स्थान भी कहने को तो वो खाली स्थान है पर वो बहुत महत्वपूर्ण है इस ले, इस लेख का बल्कि एक तरीके से या किसी कलाकार की पेंटिंग का चाइनीज कलाकार की पेंटिंग का वो केंद्र बिंदु होता है ना दिस वर्ड वेयर मेडिटेशन अकर्स इन द मिडल वर्ड इज एसेंशियल। ये जो मेडिटेशन का समय है वह बहुत जरूरी है असेंशियल मतलब आवश्यक अत्यावश्यक जरूरी नथिंग कैन हैपन विदाउट इट बिना वर्ड के कुछ नहीं हो सकता खाली स्थान बहुत जरूरी है हम अपनी दुनिया में देखें पृथ्वी है और उसके ऊपर आकाश है और आकाश के ऊपर स्वर्ग वगैरह है ब्रह्मांड के दूसरी चीजें हैं बीच में क्या है खाली स्थान दिखता है हमको बट इट इज दिस खाली स्थान दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर इट इज दिस वर्ड वेयर मेडिटेशन अकर्स इट इज दिस वर्ड विच इज सो एसेंशियल दैट नथिंग कैन हैपन विदाउट इट बिना वर्ड के कुछ नहीं हो सकता हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज पेंटिंग चाइनीज पेंटिंग जो आप देख रहे हैं इसमें जो खाली स्थान दिख रहा है हल्का नीला सफेद सफेद उसकी भी बहुत महत्ता है हेंस मैंने इसलिए आई हेंस सिख कुड नॉट कम मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका आई कैंट टॉक टू यू आई मीन आई हैल यू इसलिए मैं तुमको बुला नहीं सका क्योंकि मेरे दांत की समस्या है सो हेंस मतलब इसलिए नथिंग कैन हैपन विदाउट वॉइड दैट मीन्स मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए खाली स्थान पूरा जो पेंटिंग में दिख रहा है वह अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड द फंडामेंटल रोल ये वही बात है वही जगह है जहाँ पे व्यक्ति अपना आधारभूत भूमिका देखता है फंडामेंटल मतलब आधारभूत आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स आधारभूत मूलभूत अधिकार तो आधारभूत ये वही बात है जो आधारभूत है आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन दैट स्पेस जो जगह है बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कॉन्ड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पोल्स ऑफ यूनिवर्स कॉन्ड्यूट मतलब क्या होता कॉन्ड्यूट मतलब एक तरह का जो संबंध बनाने का काम करता है लिंक का काम करता है कॉन्ड्यूट देखिए उच्चारण क्या है स्पेलिंग क्या है सी एन डी यू आई टी ही कॉन्ड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन वार्तालाप का संबंध बनाने का काम करता है मनुष्य किसके बीच में हेवन और अर्थ के बीच में कंड्यूट बनाने का काम करता है ब्रह्मांड में फ्रॉम बोथ द पोल्स ऑफ द यूनिवर्स दोनों जो बिल्कुल एक छोर और दूसरे छोर में हैं पृथ्वी और स्वर्ग हेवन उसके बीच में वह संबंध बनाने का काम करता है हिस प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड इसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है चाहे वह वा केवल एक उसमें हो सजेशन के सुझाव के रूप में ही क्यों ना हो पर उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है एसेंशियल है ये जो बात हो रही है उसके दर्शन की हो रही है दाउिजम चाइनीज पेंटिंग चाइनीज आर्ट चाइनीज फिलोसफी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रू दिस पेंटिंग एंड द राइटर इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग अस द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर बीइंग मैन आदमी का होना जरूरी है क्योंकि वो कंड्यूट है वो लिंक है वह संबंध बनाता है किसके बीच में धरती और स्वर्ग के बीच में नथाली फर्दर सेज फार फ्रॉम बीइंग ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स फार फ्रॉम बीइंग ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीस ही इज इन फ्रेंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप चैंग भाषा में जो मनुष्य है वह लैंडस्केप की आंख है यानी मुख्य उसी से दिखाई देता है मनुष्य के माध्यम से ही दिखता है मनुष्य आंख है दुनिया की जो सब कुछ संरचना दिखाई दे रही है उसकी आंख है मनुष्य तो मनुष्य की बहुत जरूरत है इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट थर्ड एलिमेंट बिटवीन अर्थ एंड हेवन a very important one and comparison with pranayama can make you understand exactly how important the void is and that void is filled is compared with meditation where you retain your breath you don't take the breath in you don't take the you don't take the breath out you breathe in breathe out but in between you stop pause that pause is void and that void is very, very essential. And it is this void that connects man, as said, the conduit. So, Francois Chang's words are very important. He is the eye of the landscape. This particular piece of article by Nathalie is uh, an excerpt, as I told you right at the beginning. Uddharan hai. किसी एक मुख्य लेख से या पुस्तक से एक हिस्सा निकाल के पढ़ाया गया है आपको या इस अध्याय में जोड़ा गया है इस पुस्तक में जोड़ा गया है एक अध्याय के रूप में एंड दैट एक्सर्प इज़ फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द साउथ एथिक्स लैंडस्केप ऑफ सोल लैंडस्केप ऑफ द सोल विच इज द टाइटल ऑफ द बुक एंड द कंप्लीट टाइटल इज एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग मीन्स इस लेख में मूलतः चाइनीज पेंटिंग के बारे में बताया गया है और चाइनीज पेंटिंग के उद्देश्यों को बताया गया है और उद्देश्यों को बताते हुए स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म और एथिक्स नैतिकता इस पर विशेष अध्ययन किया गया है और इस पुस्तक के एक लेख के एक हिस्से को कुछ थोड़ा बहुत बदलाव के साथ आपके लिए इस अध्याय के रूप में जोड़ा गया है आगे देखिए लिखा है स्लाइटली एडिटेड यानी थोड़ा बहुत बदलाव किया है आपकी उम्र के मद्देनज़र जिन लोगों के लिए ये लेख लिखा जा रहा है अभी उनके मद्देनज़र सो विद दिस वी कम टू द फर्स्ट टू पार्ट मेजर पार्ट ऑफ this chapter through different stories the stories and through comparison with chinese art with the flanders with the western european art now if you recall right at the beginning i told you the third part of this story the third aim dish and that was art brute outside the box you remember आउटसाइड साइड द बॉक्स डब्बे के बाहर सोचना कुछ नई चीज सोचना रूटीन करना सोचें सो हियर वी आर नाउ कमिंग टू एन अनदर आर्टिकल ए पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इट सेल्फ रिटर्न इन ए बॉक्स एंड द टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग गेटिंग इनसाइड, आउटसाइडर आर्ट Getting inside outsider art. What is outsider art? Kya hai? You remember the blacksmith, the lohar, who was not allowed to get married to the painter's daughter, just because he was a lohar, he was a blacksmith, he did not know painting. At least that is what the painter thought. That lohar doesn't know painting and the lohar the blacksmith barges into the room sneaks into the room paints out a beautiful realistic fly goes away it was so real that the blacksmith thought that it needs to be it can be removed and so he tries to shove it tries to uh, sort of bat it but then realizes oh this is not real but looks very material and he gets impressed and gets his daughter married to her now this lohar this blacksmith was untrained in the art of painting he had not undergone any formal training he underwent formal training only after he was allowed to marry painter's daughter thereafter he was made an apprentice by the painter प्रशिक्षु बाय द पेंटर बट इनिशियली द ब्लैक स्मिथ वॉज वेरी रॉ कच्चा था पेंटिंग के हुनर में उसको कोई कोई उसने कोई शिक्षा नहीं ली थी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी यट ही को ड्रॉ सो ब्यूटिफुल सो ही वॉज एन आउटसाइडर पेंटर वो पेंटर लोगों की जमात का पेंटर नहीं था वो तो एक नौ सिखिया पेंटर था एक अनस्किल्ड पेंटर था लेकिन अनस्किल्ड है तो क्या हुआ अंदर कुछ ऐसी कला है जिसको निकाल के वो बहुत शानदार पेंटिंग बना सकता है अंदर कोई ऐसी चीज है ऐसी प्रतिभा है अंदर कोई ऐसे विलक्षण गुण है जिसके आधार पे वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकता है सच पेंटर्स विच आर रॉ विच आर अनट्रेन्ड सच पीपल आर कॉल्ड आउटसाइडर पीपल ऐसे आर्ट में भी है आउटसाइडर आर्ट गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट अब आउटसाइडर आर्ट का मीनिंग क्या है मैंने बता दिया अब उस आउटसाइडर आर्ट के दिल में जाने का प्रयास। गेटिंग इनसाइड अंदर जाना किसके अंदर जाना ऐसे आर्ट का के अंदर जो आउटसाइडर का हो ऐसे का व्यक्ति का हो जो स्वयं कोई ट्रेनिंग ना लिया हो जो इस लोहार जैसा हो ब्लैक स्मिथ जैसा हो वो किसकी कहानी है इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं एंड दिस इज ए सेपरेट स्टोरी बाय इट सेल्फ दैट इज वाई इट इज गिवन इन अ बॉक्स बट वेरी मच इंडियन वेरी मच इंपॉर्टेंट सो लेट्स प्रोसीड विद दिस फ्रेंच पेंटर जीन डाफेट मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन नाइनटीन फोर्टी आर्ट ब्रूट नाइन टू मूट करना मतलब शुरुआत करना यू मूटेड द आइडिया ऑफ गोइंग टू लद्दाख बाई मोटरसाइकिल यू ओनली मूटेड द आइडिया ऑफ गोइंग टू लद्दाख ऑन मोटरसाइकिल तुम्ही तो मोटरसाइकिल में लद्दाख जाने का आइडिया दिया था सो मूड शब्द एमडबलओ टी मूड सो डफेट हु इज फ्रेंच पेंटर उसने ये विचार दिया था आर्ट ब्रूट का 1940 के आसपास द आर्ट ऑफ विजनरी ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये ब्रूट आर्ट की परिभाषा क्या है बहुत सुनिए आउटसाइडर आर्ट की परिभाषा क्या है उसकी परिभाषा है आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी अनट्रेन्ड जिसकी कोई ट्रेनिंग ना हो ऐसे दृष्टिवक्ता की ऐसे आगे देखने वाले की और वो माइनॉरिटी में हो hmm. बहुत कम संख्या में रहते हैं ऐसे द आर्ट ऑफ अनट्रेन विजनरी ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिस इज ब्रूट आर्ट एज टोल्ड बाय बफेट अराउंड 1940 फ्रॉम इट ऑलमोस्ट वील्ड बिगिनिंग Outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. Wheeled beginning means very slowly. Wheeled means cover. Wheel it. It is wheeled. V-E-I-L Cover it. Dena, dena, cover So, वो ढका हुआ था व्हील्ड बिगनिंग शुरुआत में बहुत धीरे पर्दा पर्दा लगा रहना व्हील माने पर्दा तो शुरुआत में वो पर्दे के अंदर था धीरे धीरे पर्दा खुलता है आउटसाइडर आर्ट जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आई एम ग्रेजुअली लर्निंग स्विमिंग आई एम ग्रेजुअली लर्निंग हाउ टू स्विम धीरे धीरे मैं सीख रहा यू मस्ट वर्क ग्रेजुअली यू मस्ट डू एक्सरसाइज ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी चाहिए बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज करूं पर इसका मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊं एक ही दिन में पहले ही दिन में एक साथ पांच किलोमीटर चल के एक्सरसाइज कर लूँ दैट्स नॉट प्रॉपर you must start gradually <coughs> so here this particular outsider art ya art brut became very popular and became fastest growing area of interest in contemporary art contemporary matlab Kaleen. 1940-50 के बाद जब ये शुरू हुआ ऐसे वाले बाहर वालों को द्वारा पेंटिंग करने का काम जो लोग स्किल्ड नहीं थे धीरे धीरे नॉन स्किल्ड पेंटरों की संख्या बढ़ने लगी ऐसे पेंटरों की जो वैसे तो पेंटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं लिए थे पर बड़ी अच्छी पेंटिंग कर रहे थे और धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ने लगी आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पेंटिंग की चित्रकारी की लाइन ड्राइंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है पर आप में से निश्चित रूप से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी पेंटिंग करते होंगे चाहे ऑयल पेंटिंग वाटर पेंटिंग लाइन ड्राइंग, स्केच एट्सट्रा ये लोग क्या कहलाएंगे ये लोग कहलाएंगे आउटसाइडर आर्ट का हिस्सा और ये आउटसाइडर आर्ट में इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगा समय के साथ साथ दैट इज़ वॉट द राइटर सेज दिस जार इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग जार मतलब श्रेणी देखिए इसका उच्चारण क्या है जी ई एन आर ई ये एक फ्रेंच वर्ड है जी ई एन आर ई फ्रेंच वर्ड फ्रेंच वर्ड में उच्चारण बड़ा अलग होता है जार मतलब प्रकार श्रेणी दिस जार इज डिस्क्राइब एज द ये जो कला है ये जो प्रकार है इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट जिन्हें कलाकार कहने का अधिकार तो नहीं है ये वाला जो आउटसाइडर आर्ट वाली बात जो हो रही है आउटसाइडर आर्ट में वो लोग हैं उस श्रेणी के लोग आते हैं जिन लोगों को जो लोगों को अपने को कलाकार कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली कोई उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है कोई औपचारिक रूप से कक्षाएं या डिग्री पेंटिंग पे उन्होंने नहीं ली है ऐसे लोग आते हैं आउटसाइडर आर्ट की श्रेणी में उसके दर्जे में और उसके अलावा उसके बावजूद उसके बावजूद दे शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट इनसाइट मतलब गहरी पैठ गहरी पकड़ कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना होने के बावजूद पेंटिंग के किसी स्कूल के स्टूडेंट ना होने के बावजूद जो लोग बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं जिन्होंने किसी तरह की शिक्षा नहीं ली है वे लोग इस श्रेणी में आते हैं जिसे कहते हैं आउटसाइडर आर्ट और कुछ शिक्षा ना लेने के बावजूद भी बहुत बढ़िया उसमें हुनर दिखाते हैं टैलेंट प्रतिभा दिखाते हैं और आर्टिस्टिक इनसाइड और कलाकारी की सोच कलाकारी में गहरी पैठ दिखाते हैं समझ है उनको कि कैसे ड्राइंग करना कैसे लाइन खींचना और उसके अंदर क्या मीनिंग मैसेज कैसे देना दे आर कॉल्ड आउटसाइड आर्ट देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स ऑफर ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद एक मतलब ये होता है द ऑफरिंग्स फ्रॉम गॉड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड भगवान के प्रसाद को हमने बांट दिया है और ऑफरिंग्स का मतलब ये भी होता है जो भी दिया गया हो तो मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा पानी की धारा तो है ही जैसे पानी की धारा में एक मेन स्ट्रीम होता है ऐसी मेन स्ट्रीम मतलब जीवन की मुख्य धारा में जीवन की मुख्य धारा में जो लोग हैं जो मुख्य रूप से पेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं कई बार तो ये आउटसाइड आउटसाइडर आर्ट के लोग उनसे ज़्यादा भी स्टिम्युलेटिंग कलाकारी करते हैं स्टिम्युलेटिंग मतलब ऊर्जा देने वाली नए विचार लाने वाली नई सोच लाने वाली प्रोत्साहित करने वाली दैट इज कॉल्ड स्टिम्युलेटिंग जो ऊर्जा दे नई ऊर्जा दे सो इट इज़ वेरी स्टिम्युलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स मुख्य धारा के जो बहुत सारे पेंटर्स हैं उनकी तुलना में कई बार तो ये आउटसाइडर आर्ट वालों की पेंटिंग बहुत शानदार रही है और इसीलिए इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि ये लोग अपनी नैसर्गिक प्रतिभा दिखा रहे हैं ये लोग किसी स्कूल में ट्रेनिंग नहीं लिए हैं इनकी अपनी अंदर की जो सोच है वो पेंटिंग के रूप में बाहर आती है आप में भी ऐसी सोच होगी आप में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जिनमें नैसर्गिक प्रतिभा होगी चाहे वो पेंटर के रूप में चाहे खिलाड़ी के रूप में चाहे म्यूजिक गायन के रूप में चाहे ड्रा बहुत से तरीकों से चाहे मैकेनिक के रूप में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स को समझने के रूप में आप में हम में हर एक में कुछ ना कुछ ऐसी नैसर्गिक प्रतिभा है अब देखिए आगे यहाँ पे क्या होता है इस कहानी में या इस ये एक रियल स्टोरी है तो मेन स्ट्रीम की बात हुई और मेन स्ट्रीम से ज़्यादा अच्छा कई बार ये प्रतिभावान लोग कर बैठते हैं जो किसी फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं गए हैं जब दुनिया में आउटसाइडर आर्ट का प्रभाव बढ़ते जा रहा था दायरा बढ़ते जा रहा था उसी समय डबू फेट भारत में इस थ्योरी को और उसको प्रचारित कर रहा था एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज सीन हियर अराउंड द सेम टाइम डबू फेट वॉज प्रपाउंडिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज पैराडाइज मतलब स्वर्ग हेवन एक अनट्यूटर्ड जीनियस Untutored मतलब ऐसा विद्यार्थी ऐसा लड़का ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ट्यूशन ना लिया हो टू ट्यूटर मतलब किसी को पढ़ाना ट्यूशन पढ़ाना Untutored मतलब मतलब जिस, जिसने कभी कुछ पढ़ा ना हो किसी के माध्यम से ऐसा एक व्यक्ति जीनियस मतलब विलक्षण Untutored genius जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज भारत में एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसने कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं ली थी विलक्षण प्रतिभा का था वो भारत की धरती पर एक स्वर्ग बना रहा था इस एगो द लिटल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगिन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन मैनी ईयर्स एगो बहुत वर्षों पहले जब जंगल के एक थोड़े से हिस्से को पैच माने हिस्सा जंगल के एक थोड़े से हिस्से को उसने सफ़ाई करनी शुरू की ताकि वहाँ एक गार्डन बनाए एक बगीचा बनाए जंगल के पेड़ों को भरसक रखे लेकिन सफाई किया उसने और सफाई करके उस जंगल के खेत को गार्डन में बदला उन पेड़ों को रखते हुए और फिर स्कल्पटेड विथ स्टोन और उसने वहां टू स्कल्प मतलब स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला मूर्ति कला, मूर्ति कला। स्कल्पचर पेंटिंग मतलब चित्रकला स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला मूर्तियां भी किसकी रिसाइकल्ड मटेरियल की, की चट्टानों की पत्थरों की रिसाइकिल्ड मटेरियल की रिसाइकिल्ड मतलब फिर से जिसका उपयोग किया जाए जैसे प्लास्टिक होता है ना वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूज़पेपर्स आप लोगों की हमारी पुरानी कॉपी किताबें जिसका आप कोई उपयोग नहीं है उसको प्लांट के माध्यम से प्लांट में फैक्ट्री में भेजकर उन कागजों को फिर से नया कागज का रूप दिया जा सकता है उसे कहते हैं रिसाइकिल तो उसने ऐसे वेस्ट सामान को रिसाइकिल किया पत्थरों का उपयोग किया एंड वो जो जंगल है वो जो गार्डन है दैट इज वर्ल्ड एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ दिस इज रॉक गार्डन सो पृष्ठभूमि क्या है रॉक गार्डन की पहली बात अनट्यूटर्ड व्यक्ति है जो कोई इसकी शिक्षा नहीं हुई है किसी से उसने ट्रेनिंग नहीं ली लिखी दूसरी बात एक जंगल को उसने गार्डन में बदल दिया विल पावर था तीसरी बात वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया रिसाइकिल किया और ये चौथी बात ये जगह कहाँ है चंडीगढ़ अब ये व्यक्ति कौन है ही इज एटी ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद अस्सी साल बूढ़ा अस्सी साल के वृद्ध व्यक्ति नेक चंद हैं इज नाउ हेल्ड एज द इंडिया बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द आउटसाइडर आर्ट ये आउटसाइडर आर्ट की जो श्रेणी है जो जार है जी ई एन आर ई उस जार में भारत में यदि सबसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो वो नेक चंद जिसने भारत में इस क्षेत्र में सबसे महान योगदान दिया है हेल करना मतलब प्रशंसा करना हेल एच ए आई एल हेल हेल और ये लंबा बोलते हैं टू हेल मतलब किसी का गुणगान करना प्रशंसा करना और हेल मतलब नरक एच ई -E डबल एल हेल उच्चारण को देखिए हेल एंड हेल सो ही वॉज हेल्ड एज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन आर्ट ब्रुट इन आउटसाइडर आर्ट द फिफ्टी इशू ऑफ रॉ विजन रॉ विजन एक अमेरिका इंग्लैंड की एक पत्रिका है जो आउटसाइडर आर्ट पर लेख लिखती है किस पर लिखती है केवल आउटसाइडर आर्ट से संबंधित विषयों पर लेख लिखती है और इंग्लैंड की पत्रिका है और ये जो पत्रिका है यूके की जिसका नाम है रॉ विजन रॉ मतलब कच्चा रॉ और राइप मैंने पका तो एक रॉ विजन नाम की एक मैगजीन उन लोगों को समर्पित है जो लोग आउटसाइडर आर्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनसे संबंधित आर्टिकल लिखती है यह मैगजीन ने जब अपने पचासवा इशू निकाला इन द फिफ्टीथ इशू तो उसने नेक चंद को विशेष स्थान दिया उस पत्रिका में एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर और उसके रॉक गार्डन की मूर्ति कला को उस रॉक गार्डन में उसने पत्थरों से जो मूर्तियां बनाई हैं आप देख सकते हैं जीवंत दिखती हैं दे लुक लाइफ दे लुक वाइब्रेंट विथ कलर्स दे लुक एक्सप्रेशन फुल ऑफ एक्सप्रेशन दे लुक पीपल ऑफ एब्सोलुटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड दे लुक पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस and what not so what i mean is that Nek chan an indian is considered to be the best person from india in outsider art and he found a place in a magazine called raw vision vision matlab soch vision bada hona you should have big vision soch Daira. raw vision के पचासवें इशू में उसको खास स्थान दिया गया है उसको और उसके मूर्ति कला को उसमें एक बहुत अच्छी आ, उसने जो कला मूर्ति बनाई है वो है वीमेन वॉटर वीमेन बाय द वॉटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कवर अपने एनिवर्सरी इशू के कवर में उस मैगजीन के पब्लिकेशर्स ने पब्लिशर्स ने नेक चंद की वीमेन बाय द वॉटरफॉल को स्थान दिया है कवर में दैट मींस गिविंग इट द हाईएस्ट पॉसिबल रिस्पेक्ट ट्रिब्यूट किसी वर्ल्ड लेवल के मैगजीन के कवर में किसी का नाम आ जाना और उसकी कला के बारे में उसमें वर्णन होना बहुत बड़ी बात है और नेक चंद जो स्वयं किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं पाए केवल अपने विजन के बल पर अपने कौशल प्रतिभा के बल पर उन्होंने जो काम किया वो इट इज हेल्ड एज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन बाय समबडी फ्रॉम इंडियन आउटसाइडर आर्ट अब देखिए यहां वीमेन की स्पेलिंग डब्ल्यू ओ एम ई एन एक महिला को क्या बोलते हैं एक महिला को बोलते हैं वुमन डब्ल्यू ओ एम ए एन और उच्चारण है वुमेन वुमेन इज एक वचन और जब ये बहुवचन हो जाता है बहुत सी महिलाओं को के बारे में बोलना है तो हो जाता है वी मैन डब्ल्यू ओ एम ई एन ये दोनों में अंतर स्पष्ट रखें एक वचन और बहुवचन में तो नेक चंद के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है अब आप समझ गए होंगे